राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में दो शुभकामनाएं के लिए लेकर आए हैं। साल 2024 की पौष पुत्रदा एकादशी की समस्त जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है, इस दिन जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करता है और भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं साल 2024 की पौष पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत कब होगी, साथ ही जानेंगे विष्णु पूजा का और पारण का शुभ समय क्या रहेगा और जानेंगे इससे जुड़ी अन्य सभी जरूरी बातें। लेकिन पहले जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी तिथि की डेट और तिथि। पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम के समय 7:27 से हो रही है और इस तिथि का समापन होगा 21 जनवरी 2024 को साय के समय 7:28 पर। और एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष योग है। इस बार पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ योग में होगी। इस दिन पूरे दिन ब्रह्म योग का शुभ संयोग रहेगा। इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस शुभ योग में व्रत करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नोट के लिए, ब्रह्म योग का समय पौष पुत्रदा एकादशी 2024 के दिन ब्रह्म योग बन रहा है, जो कि सुबह 7:26 तक रहेगा। इस त्यौहार में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। और अब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन विष्णु पूजन का समय है प्रातः 8:34 से लेकर के दोपहर के 12:32 तक। और पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत पारण का समय है 22 जनवरी को प्रातः 7:14 से लेकर के प्रातःकाल के 9:21 तक। और अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए, इस व्रत करने से हमें क्या लाभ होते हैं। जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के ये विशेष 5 लाभ। पहला लाभ है, श्राद्ध के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से आपको अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी संतान द्वारा किया गया पितृदान और तर्पण आपके पूर्वजों को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार ये आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। और दूसरा लाभ है, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से आपको यशस्वी संतान होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी संतान आपके प्रति समर्पित बनेगी और जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़ी रहेंगी। और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से आपको तीसरा लाभ ये मिलेगा, इससे सफलता के द्वार खुलेंगे। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस तरह आप अपने मनचाहे लक्ष्य को पा सकेंगे और जीवन में सफल बनेंगे। और पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करेंगे तो आपको ये चौथा लाभ मिलेगा, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। एकादशी तिथि के अधि देवता भगवान विष्णु हैं। पौष पुत्रदा एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से आपको अनजाने में भूल से किए गए
पापों से भी मुक्ति मिलेगी। और पांचवा सबसे बड़ा इस व्रत का लाभ है, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति श्री हरि को समर्पित इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए जब आप ये व्रत करेंगे तो इसके फल स्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो पौष पुत्रता एकादशी व्रत करने से आपको इतने ढेर सारे लाभ प्राप्त होंगे। अब जानते हैं पौष पुत्रता एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किस तरह करनी चाहिए और इसके लिए कौन सी पूजा की सामग्री का होना जरूरी होता है। तो इस पूजा के लिए ये सामग्री जरूर होनी चाहिए: एक चौकी, पीला वस्त्र और भगवान विष्णु की प्रतिमा, पुष्प माला, जनेऊ, धूप दीप अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान, दूध घी दही शहद और मिश्री, साथ में तुलसी दल, मिष्ठान और ऋतुफल, जो भी बाजार में मौसम के फल आ रहे हों वो फल, ये फल और सामान जरूर होना चाहिए इस पूजा में। और अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा विधि जानने से पहले पूजा की तैयारी करें, उसके लिए एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दसवीं तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दसवीं में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्य या एकादशी व्रत में निषेध चीज़ों का सेवन ना करें और पौष पुत्रता एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातून करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र धारण करने के पश्चात स्वयं को चंदन का तिलक करें, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाएं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसीलिए किया जाता है ताकि शनिदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। दीप प्रज्वलित कर लें, उसके पश्चात चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर, जो भी आपके पास है, उसे चौकी पर स्थापित करें और अब भगवान को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। ये ध्यान रखें, जो भी अक्षत चढ़ाएं वो टूटे हुए नहीं होना चाहिए। अखंडित चावल का इसमें इस्तेमाल करें। और अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि भगवान को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। अब भगवान को भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्रनाम या श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप किसी भी कारणवश स्त्रोत का पाठ स्वयं नहीं कर सकते हैं तो इसे आप किसी माध्यम से सुन भी सकते हैं। और अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें और पूजा के समय इस मंत्र का पांच माला जाप करना चाहिए। मंत्र है: ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद
पूजा के समाप्ति पर भगवान से हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। तो ये थी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की जानकारी। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की आप आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलती है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ हमें अवश्य देंगे। आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।